तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस साल कक्षा 10वीं और 12वीं के जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कि इस साल सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है, उनको अब आगे इस बात की चिंता सता रही है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, क्या हमें स्कूल में रेगुलर एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में आपके इन दोनों ही सवालों के जवाब। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो अब आइए आगे जानते हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट आपका कब तक आ जाएगा और क्या आपको स्कूल में रेगुलर रूप से एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कि इस साल सप्लीमेंट्री का एग्जाम दिया है, अभी तक वो इसी पसोपेश में हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि रुक जाना नहीं वालों का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। मगर ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कि कक्षा 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री की एग्जाम दी है, उन सभी को भी अब रिजल्ट को लेकर चिंताएं सताने लगी है, क्योंकि हो सकता है कि तब तक आपके स्कूल में एडमिशन बंद हो जाए या फिर आप लोग अभी एक तरह से ये समझ सकते हो कि अधर में लटके हुए हैं, ना तो आप इधर के ना उधर के। कक्षा 12वीं वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, या फिर कक्षा 10वीं वाले बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें कक्षा 11वीं में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा और क्या आपको स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता ही होगा कि कक्षा 12वीं की सभी विषयों के पेपर एक ही तारीख में लिए गए थे और इसी के अलावा कक्षा 10वीं के जो पेपर थे वो जरूर अलग अलग तारीख में लिए गए थे। अब जिनके जैसे भी पेपर गए होंगे, आप सभी को इस बात की चिंता जरूर सता रही होगी कि जल्दी से हमारा रिजल्ट आ जाए तो हम अगले कक्षा में पहुंच जाए और अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि दोबारा से ऐसी सप्लीमेंट्री जैसी कोई नौबत सामने ना आए। अगर इस बार देखा जाए तो एमपी बोर्ड ने कक्षा 12वीं में एक विषय में सप्लीमेंट्री दी थी और कक्षा 10वीं में दो विषय में सप्लीमेंट्री दी थी, यानी कि कक्षा 12वीं वालों के सिर्फ एक ही विषय में सप्लीमेंट्री प्राप्त हुई थी और कक्षा 10वीं वालों को दो विषय में सप्लीमेंट्री की पात्रता थी। अब चलिए जानते हैं कि कक्षा 10वीं वालों का रिजल्ट कब तक आएगा और कक्षा 12वीं वालों का रिजल्ट कब तक आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कक्षा 10वीं में दो विषय में जितने भी विद्यार्थियों ने सप्लीमेंट्री दी थी, अगर आप दोनों में से किसी एक में भी पास हो जाते हो तो भी आपको पास मान लिया जाएगा, मगर कक्षा 12वीं में तो एक विषय की सप्लीमेंट्री हुई थी, यानी कि आपको उस एक विषय में पास होना जरूरी होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी कॉपियों को चेक होने में लगभग एक महीने तक का समय लगने वाला है, यानी कि अगर इसका सीधा सीधा मतलब समझा जाए तो जब आपकी एग्जाम्स हुई थी तब से लेके आप ये समझिएगा एक महीने के भीतर भीतर आपकी कॉपियाँ पूरी तरह से चेक होके और रिजल्ट बनना उसका स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, आपको मैं यहाँ पर आपकी निश्चित तारीख बताता हूँ कि किस तारीख तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं तारीख बताऊँ उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए मैं यहाँ पर एमपी बोर्ड या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड से संबंधित सारी जानकारियाँ मैं लेकर आता रहता हूँ, तो इसलिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं का सप्लीमेंट्री परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका कक्षा 10वीं और 12वीं का जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है, लगभग आप ये समझिए कि 20 अगस्त के बाद में आने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप ये समझिए कि कक्षा 10वीं और 12वीं की जो सप्लीमेंट्री के पेपर हुए हैं उनका रिजल्ट अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में या फिर सितंबर महीने के प्रथम सप्ताह में आने की अभी पूरी संभावनाएं बताई जा रही है, क्योंकि ये जो मैं आपको अनुमान बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इस समय तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, या तो अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में आपका रिजल्ट आएगा या फिर आप ये समझिए सितंबर में, तो इसके चांसेस बहुत ही कम है, लगभग आप ये समझिए कि अगस्त के अंत अंत तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आता है आपका दूसरा सवाल कि क्या आपको स्कूल में एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्कूल में सप्लीमेंट्री वालों के लिए दो तरह की सुविधाएं रहती है। एक तो ये सुविधा रहती है कि सरकार सप्लीमेंट्री के रिजल्ट आने तक एडमिशन जारी रखती है, ऐसे में जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो ऐसे में आप उस समय तक भी एडमिशन ले सकते हो, या फिर सरकार को अगर ऐसा करना हो कि वो एडमिशन बंद करना चाहे तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको अस्थायी एडमिशन दे देती है, यानी कि आपका रिजल्ट नहीं आता है उसके पहले ही आपको अगली कक्षा में एडमिशन मिल जाता है।
अब आप कहोगे कि हमारे लिए क्या सही रहेगा, तो देखिएगा मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिस स्कूल में भी पढ़ते हो, जहाँ पर भी आपको एडमिशन लेना है, एक बार आप वहाँ पर जाइएगा और उनसे पता कीजिएगा कि हमारी सप्लीमेंट्री प्राप्त हुई है। अब ऐसे में हम आहिस्ता एडमिशन लें या फिर सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आने तक के लिए इंतजार करें, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट बाद में आए, उसके पहले ही स्कूल में एडमिशन बंद कर दिए जाए। मगर ऐसा संभव तो नहीं लगता है, मगर कभी कभी कुछ परिस्थितियों बस ऐसा हो जाता है। तो एक बार आप स्कूल से पता जरूर कर लें कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट, वैसे तो मैंने जिस तारीख तक बताया उस तारीख तक आपका आ जाएगा, 20 से लेके 30 अगस्त तक आपका रिजल्ट हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। तो आप इतना सा इंतजार जरूर करें और एक बार एडमिशन को लेकर आपके जो स्कूल है उसके प्रिंसिपल से जरूर मिल लें, ताकि आप सभी को वो अच्छे से समझा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को इन दोनों ही सवालों के अच्छे से जवाब मिल गए होंगे और अब आगे से आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सप्ली जो होती है एक तरह से विद्यार्थी को अटकाने जैसा काम होता है। विद्यार्थी ये समझ नहीं पाता है कि अब मैं आगे बढ़ूँ या इधर जाऊँ, क्योंकि मैं भी कई बच्चों से मिलता हूँ कि उनका भी यही राय होता है कि सर सप्ली आने से तो अच्छा होता है कि फेल हो जाए, तो उसमें एक संतुष्टि तो होती है कि अब इधर के भी नहीं तो उधर के भी नहीं। मगर अच्छी बात है कि आप लोगों ने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया है और आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और साथ में चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।